हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करती हूं अपने चैनल क्वालिटी टॉक्स विद डॉक्टर रितिका शर्मा में। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन पेशेंट्स के लिए जिनको छपाकी की दिक्कत है। छपाकी यानी कि अर्टिकेरिया, इसको चतका भी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ छपाकी के सिम्टम्स क्या हैं, अर्टिकेरिया किन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है, उस मेडिसिन का जिसको रामबाण इलाज अर्टिकेरिया का कहा गया है क्या डोसेज है और कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो लेनी होती है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्टिकेरिया यानी कि छपाकी क्या होती है। छपाकी का मतलब है कि आपके शरीर पर किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से चपके पड़ जाना, जो कि लाल रंग के खूब खुजली वाले, जलन देने वाले होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये जनरलाइज्ड अर्टिकेरिया भी होता है और एक पार्ट स्पेसिफिक भी होता है। कई लोगों को होता है कि ये सिर्फ हाथ में आ रहा है या कमर में आ रहा है, कई लोगों को फुल बॉडी अर्टिकेरिया भी होता है जिसमें एंजियोइडिमा की भी कंडीशन हो जाती है। एंजियोइडिमा में क्या होता है कि पेशेंट का फेस बुरी तरीके से स्वोलन हो जाता है और जब उसको छत्के आने शुरू होते हैं उस टाइम बहुत एग्रेसिव जलन, खुजली और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत सालों से कंटिन्यूअस यूज करने के बाद अर्टिकेरियल रैश आ रहा है, ये दवाई उनके लिए रामबाण इलाज है। NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो पेशेंट इससे एलर्जिक हैं और उनको ये मेडिसिन लेते ही इन्फ्लेमेटरी अटैक्स आ रहे हैं, उन पेशेंट्स में ये दवाई बहुत कारगर है। जिन पेशेंट्स को चतके निकलने के बाद उन लोगों ने सिट्रोजीन का उपयोग किया, लेकिन कुछ घंटों तक तो ये चतके सबमाइस हो गए, उसके बाद फिर से निकल आए और बहुत एग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा जलन हो गई, खुजली हो गई और पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो गई, ऐसे पेशेंट्स में भी ये दवाई रामबाण इलाज है। आप देख सकते हैं पिक्चर में एंजियोइडिमा के अंदर कैसे फेस पे पूरी स्वेलिंग है मरीज को। और इस पेशेंट के अंदर अगर ये कुछ, जैसे फीमेल रिंग्स पहनती हैं, कड़े पहनती हैं, तो कुछ भी प्रेशर बियरिंग चीज़ अगर ये पेशेंट पहनता है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स उसको वहाँ पे स्वेलिंग और इचिंग और पेन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है दोस्तों कैल्केरिया कार्ब। अब कैल्केरिया कार्ब का ये कंपोजिशन है कि ये सारे के सारे सिट्रोजीन जिन पेशेंट में काम ना कर पाए, NSAID से जो पेशेंट एलर्जिक हो, फुल बॉडी अर्टिकेरिया की जिनको प्रॉब्लम हो, हल्के से प्रेशर से भी उनको अर्टिकेरियल रैश आ रहा हो, एंजियोइडिमा की भी सीवियर कंडीशन उनको हो जा रही हो, ऐसे पेशेंट्स को कैल्केरिया कार्ब देते हैं। अब बात आती है किस पोटेंसी में हम देंगे कैल्केरिया कार्ब। ऐसे पेशेंट को 0:1 पोटेंसी में देना शुरू करना चाहिए। 3 महीने तक कॉन्टिन्यूस आपको 0:1 पोटेंसी दिन में 4 times आपको लेनी है, 10-10 drops। आफ्टर 3 months पेशेंट की पूरी कंडीशन को एनालाइज करना है। आप मेरी बात लिख के ले लीजिए कि ये मेडिसिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगी उस अर्टिकेरिया को जो कि एस्प्रिन, डिस्प्रिन और NSAID और सिट्रोजीन इनके ओवर यूज़ की वजह से हुआ है, प्लस सिट्रोजीन से भी कंट्रोल नहीं आ रहा है। आपने 0:1 पोटेंसी ऑफ कैल्केरिया कार्ब को 3 months तक कॉन्टिन्यूस लेना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है या मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है। उसके अकॉर्डिंग वी विल शिफ्ट टू कैल्केरिया कार्ब 0:3 पोटेंसी। फर्दर इस पोटेंसी को 2 से 3 महीने फिर यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट की कंडीशन में बहुत रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है तो हम 0:3 पोटेंसी को 2 महीना कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 80% ऑफ द केसेस के अंदर पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जड़ से उनका अर्टिकेरिया ख़त्म हो जाता है। लेकिन 20% केसेज ऐसे होते हैं जिनको फर्दर 0:5 पोटेंसी ऑफ कैल्केरिया कार्ब पे जाना पड़ता है और ये 0:5 पोटेंसी की मेडिसिन उनको कॉन्टिन्यूस 6 months के लिए लेनी होती है। उसके बाद दोस्तों यकीन मानिए आपका अर्टिकेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। और इस दौरान आपको कुछ भी दिक्कत होती है या आप अपने सिम्टम्स को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि जो भी पेशेंट अर्टिकेरिया से गुजर रहा है या जिसके भी नोन टू को छपाकी की दिक्कत है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने प्रेजेंट सिम्टम लिख सकते हैं ताकि फर्दर 3 महीने
बाद जब वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उनके जो सिम्टम्स हैं उनको कंपेयर करके मैं एक बेटर एडवाइस उन्हें दे पाऊँ, या फिर जो भी आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, आपने लाखों वीडियोज़ देखी होंगी होम्योपैथी की अर्टिकेरिया से रिलेटेड, लेकिन ये मेडिसिन का जिक्र किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ऐसी मेडिसिन है जिसकी बहुत 0/1 पोटेंसी बहुत से डॉक्टर्स यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है, आप इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी अगली वीडियो के लिए ट्यून रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फर्दर कोई भी क्वेरी किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।